सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आशा है कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर मस्त होंगे। तो आज हम समीकरण हल करना सीखेंगे। इससे पहले भी हमने कुछ एक दो वीडियो बनाई थी, तो वो भी आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं भी समीकरणों को हम कैसे हल करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन, अगर एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसे आप आसानी से सोल्व कर सकेंगे। तो हमने एक समीकरण लिया है x प्लस थ्री इंटू मतलब ब्रैकेट 2x प्लस थ्री, 2x प्लस तीन ब्रैकेट इज इक्वल टू है बराबर का निशान, और 2 ब्रैकेट x प्लस पांच और ब्रैकेट बंद है। तो सबसे समझने की बात यह है भाई, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसे गलत नहीं करेंगे, सिर्फ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले तो हम, जैसे हमारे पास यहाँ अगर कोई नंबर होता है, कोई ब्रैकेट होती है, तो वहां हमारे पास किसका निशान होता है, गुणा का निशान होता है। तो हम यहाँ इसको गुणा लगा लेते हैं, एक्स प्लस तीन गुणा दो एक्स प्लस तीन इज इक्वल टू दो गुना एक्स प्लस पांच। हमने यहां गुना का निशान लगाया, इसको हम अब सोल्व करेंगे। तो अब इस तीन के साथ हम इसकी गुना करेंगे, दो एक्स प्लस तीन के साथ इसकी गुना करेंगे, और एक्स के साथ हम एक्स प्लस पांच के साथ इसकी गुना करेंगे। तो एक्स प्लस तीन के साथ हम दो की गुना करेंगे, दो एक्स के साथ तीन की, दो एक्स के साथ तीन, दो में कितना आएगा छह एक्स, और तीन के साथ फिर हम तीन की गुना करेंगे, प्लस तीन दिया नौ इज इक्वल टू का निशान डालेंगे हम। अब दो के साथ एक्स की गुना करेंगे, हमारे पास दो एक्स, और दो के साथ हम पांच की गुना करेंगे, तो दो पांच कितना आएगा दस। अब जो एक्स के जो नंबर है उसको हम एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ एक्स दिया गया, तो छह कितना हो जाएगा, इनको दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, छह और एक कितना हो जाएगा सात एक्स प्लस नौ बराबर दो एक्स प्लस दस प्लस दस। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस x को हम इस तरफ ले आते हैं, तो सात एक्स माइनस दो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना बचेगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, दस इज इक्वल टू ले लेते हैं, ये नंबर हमारे किसका है प्लस का है, तो प्लस का तो हम इस तरफ ले जाएंगे, तो इसका हो जाएगा माइनस की संख्या हो जाएगी। अब इसमें से इसको हम घटाएंगे, अब क्या सॉरी, अब इसमें से हमारे पास क्या बचेगा, पांच एक्स बचेगा, क्योंकि ये हमारी संख्या प्लस की है और ये हमारी संख्या किसकी है माइनस की है, पांच एक्स, और इसमें हमारे पास कितना बचेगा वन बचेगा। तो लास्ट में हमारा आंसर कितना आएगा, पांच एक्स बराबर हमारे पास एक है। ये समझने की यहां कंफ्यूज होने की बच्चे यहां गलती करते हैं भाई, अगर जिस नंबर के साथ अगर एक्स वाई कोई भी अल्फाबेट होता है वो नंबर हमारा हमेशा नीचे आता है, तो एक्स बराबर है एक बटा पांच, इसको हम ये आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। तो इस अगर ऐसा समीकरण आता है तो उसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप अपनी पढ़ाई के अंदर मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो आपसे मिलते हैं।